जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आस पड़ोस भी साफ रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुंच जाए और हां मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे मेरे प्यारे देशवासियों अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है दिवाली उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा फिर भाई दूज ये तीन त्यौहार तो होंगे ही होंगे इसी दौरान छठ पूजा भी होगी नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती है आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन किसी कारीगर किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सबने मिलकर शुरू की है इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें अपने साथ के लोगों को भी बताएं अगले महीने हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही ढेर सारे विषयों पर बात करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद